स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, वेलकम. दिस वीडियो इज़ अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ GK एंड दिस इज़ योर बुक नॉलेज हीप, अ बुक ऑफ जनरल नॉलेज, वॉल्यूम 2. स्टूडेंट्स कम एट दिस पेज, पेज नंबर 41. पेज नंबर 41 इज़ लाइफ स्किल. मीन्स इसमें आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे काम आपको समझ में आते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये पेज आपको दिया जाता है, ताकि आप समझ सको कि क्या चीज़ राइट है और क्या चीज़ रॉन्ग है. लर्न सम करेक्ट लाइफ स्किल्स, टिक ऑन योर चॉइस. नंबर 1, लीव द फैन ऑन व्हेन यू लीव द रूम. क्या हमको, अगर हमने रूम छोड़ दिया है, रूम में यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमको फ़ैन को ऑन करके छोड़ना चाहिए? नो. यूज़ अ न्यू मशीन इन द एब्सेंस ऑफ योर पेरेंट्स. क्या अगर बच्चों आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो आपको कोई न्यू मशीन आई है तो यूज़ करना चाहिए? नो. वॉच TV इफ़ यू गेट बोर्ड. अगर आप बोर हो तो आप TV देख सकते हो. यस. स्टैंड बिहाइंड द येलो लाइन टू बोर्ड द मेट्रो. गाड़ी पर चढ़ने से पहले येलो लाइन पे खड़े होना चाहिए. यस. कॉल अ ट्रेन टू स्टॉप अ फायर. अगर कहीं आग लगी हो तो उसके लिए क्या ट्रेन को कॉल करते हैं? नो. कॉल एन एम्बुलेंस टू प्लो द फील्ड. खेत को जोतने के लिए या खेत को बोने के लिए क्या हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे? नो. स्विच ऑफ द कंप्यूटर आफ्टर यूज़. कंप्यूटर को यूज़ कर देने के बाद क्या उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए? यस. क्राई इफ देयर इज़ थंडर एंड लाइटनिंग. क्या थंडर और लाइटनिंग हो तो क्राई हो जाती है, डर लगती है, जोर चिल्लाना चीखना चाहिए. चाहिए तो नहीं, लेकिन हाँ, क्राई तो हो जाती है. गो आउट इन द फॉग. क्या ज़्यादा कोहरा है, ज़्यादा कुहासा है, तो ऐसे में बाहर निकलना चाहिए? नो. इसका रीज़न ये है कि अगर ज़्यादा कोहरा है तो वहाँ पे आपको कुछ ही डिस्टेंस पे कोई गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, तो वो दिखता नहीं है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है. कोशिश करना चाहिए कि जिसमें फॉग हो उसमें बाहर नहीं निकलना चाहिए. फ्लाई अ काइट इन द ब्रीज. क्या ब्रीज हो तो काइट को फ्लाई करते हैं? यस. कलेक्ट रेन वाटर. रेन वाटर कलेक्ट करना चाहिए. किल अर्थवॉर्म्स इन द सॉयल. क्या अर्थवॉर्म यानी कि जो केंचुए हैं सॉयल में, उनको किल करना चाहिए? नो. उसका रीज़न ये है कि ये जो केंचुए होते हैं वो ज़मीन को अच्छी तरह से पफी बना करते हैं, बनाने का काम करते हैं, जुताई जैसा काम कर देते हैं, तो अर्थवॉर्म को किल करना नहीं चाहिए. ट्रैम्पल द ग्रास ऑफ द सॉयल. नो. ग्रो ट्रीज. क्या हमको पेड़ उगाने चाहिए? यस. आज के समय में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी है या पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ये मस्ट है कि हमें ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए. नेवर जम्प ऑन स्विंग. झूले पे झूलते समय जंप नहीं करना चाहिए? यस. इफ़ यू जंप ऑन द स्विंग यू कैन हर्ट. कमेंट द लेसन 31, वेयर टू प्ले. बहुत सारे गेम होते हैं स्टूडेंट्स, जो इंडोर हैं या आउटडोर गेम हैं. आउटडोर गेम और इंडोर गेम दोनों को ही खेलने के अपने प्रोसेस होते हैं. उनके लिए कुछ थिंग्स होती हैं, कुछ नीड्स होती हैं, जो चाहिए होती हैं, तभी वो गेम प्रॉपरली चल पाता है. मैच द फॉलोइंग स्पोर्ट्स विद द प्लेस वेयर दे आर प्लेड. जिमनास्टिक, जिमनेजियम. जिमनास्टिक अगर आपको करनी है तो उसके लिए जिमनेजियम की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे जिमनास्टिक करने में जो शरीर को जंप करते हैं और जंप करना है, गिरना है, तो इसके लिए प्रॉपर वहाँ पे व्यवस्था होती है, जिससे कि आपको किसी तरह की हर्ट नहीं होते हैं आप और किसी तरह की तकलीफ नहीं होती है. तो जिमनेजियम इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर जिमनास्टिक. टेबल टेनिस को खेलने के लिए आपको ऑप्शन G टेबल चाहिए होगी. क्रिकेट. यस, क्रिकेट को ओपन में खेलते हैं, आउटडोर गेम है, और इसको गेम खेलने के लिए पिच की ज़रूरत होती है. पिच वो प्लेस होता है, देयर आर बॉलर एंड बैट्समैन इज स्टैंडिंग एंड बीच में बिटवीन रन द विकेट करने के लिए पिच की ज़रूरत होती है, जो एक निश्चित लेंथ की होती है, एक प्रॉपर उसका फिक्स लेंथ होता है. उतनी दूर पर उसके निशान लगाए जाते हैं. एक कॉर्नर पर बैट्समैन होता है और दूसरे पर बॉलर होता है, और इस तरह से गेम शुरू होता है. बॉक्सिंग. बॉक्सिंग के लिए ऑप्शन F रिंग की ज़रूरत होती है. एक स्क्वायर या गोल में रिंग होती है, उसके बीच में ही इन बॉक्सर्स को आपस में बॉक्सिंग करनी होती है, उसके बाहर निकल जाने वाले को आउट माना जाता है. स्केटिंग. स्केटिंग करने के लिए जिस शूज़ में पहिए लगे होते हैं, छोटी व्हील लगी होती है, उसके लिए रिंग की ज़रूरत होती है, ताकि वो स्मूथली आगे बढ़ सकें. कैरम. कैरम खेलने के लिए आपको कैरम बोर्ड की ज़रूरत होती है. एक चेक जैसा, एक लकड़ी का स्क्वायर सा बड़ा सा होता है, उस पर डिज़ाइन बनी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको गोट से पिंच करना होता है. स्प्रिंट. स्प्रिंट के लिए ट्रैक की ज़रूरत होती है. एंड बैडमिंटन. बैडमिंटन को खेलने के लिए आपको कोर्ट की ज़रूरत होती है. कोर्ट वो जगह है जो एक फिक्स किए हुए लाइन एंड लेंथ का होता है, बीच में नेट लगा होता है, और आपको रैकेट और कॉक की सहायता से आप बैडमिंटन खेलते हो.
उस कोर्ट के लाइनिंग्स के बाहर अगर कॉक आपकी जाती है तो उसके नंबर आपको नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से इन गेम्स को खेलने के लिए प्रॉपर जगह और प्रॉपर चीज़ें सही होती हैं, जिससे गेम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बढ़िया बनता है। सो स्टूडेंट्स, अगली वीडियो का वेट कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।